नाजरीन आपको अहम खबर देंगे। पैनामा केस का फैसला महफूज मगर नून लीग के सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम जारी है। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का कहना है जनाजे और ताबूत निकालने वाले कुछ लोग मुल्क दुश्मन एजेंडे के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। फैसला बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ पर एक रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। पिछले 36 सालों से नवाज शरीफ पर कोई इल्जाम नहीं लगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 4 सालों में अगर किसी मंसूबे में करप्शन हुई है तो बता दें वज़ीर आज़म ने हमेशा मुल्क से अंधेरे खत्म करने की मुखलिसाना कोशिश की है और कर रहे हैं। हमारे मुखालफीन ये बात जानते हैं कि नवाज शरीफ की मकबूलियत के पेश नज़र 2018 में वज़ीर आज़म को शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं।